स्टूडेंट सो टुडे विल रीड सोर ग्रेप्स खट्टे अंगूर। आज हम ये पोम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है एनोनिमस, पता मतलब कि इसका नाम नहीं है, किसी नामालूम अफराद ने लिखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है। इसमें यह सीखने को मिलेगा कि कोई अगर कोई हम काम नहीं कर पाते तो हम ये कहते हैं ये काम ख़राब है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हम वर्ड्स मीनिंग जो है वो देखेंगे। मीन मतलब के मतलब ही, माइजरेबल पुअर, और पावर इसका शॉर्टकट पोर मतलब कि पावर। रिन्यूअर्ड कहते हैं जो फ्रेंच फिबल्स जो होती हैं, जो फ्रेंच कहानियाँ होती हैं उसमें जो नाम यूज़ किया जाता है वो रिन्यूअर्ड रिनार्ड है। उसके अलावा थ्रो मतलब कि शॉर्टकट है थ्रो स्पेशल इंग्लिश में। और उसके बाद ट्रिस ट्रिस मतलब कि इट इज़, ये भी स्पेशल इंग्लिश में इसका शॉर्टकट है जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। वाइन मतलब ग्रेप्स प्लांट मतलब एक गुच्छा या छुग्गा जो है वो प्लांट्स का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ फॉक्स वाज ट्रोटिंग ऑन वन डे, एक जो है वो फॉक्स अपने पाँव पे चलते हुए जो एक दिन आ रहा था। ट्रोटिंग कहते हैं अपने पाँव को जो है वो आवाज़ निकाल के फिर जो वो चलना। तो वो फॉक्स अपने पाँव की आवाज़ निकालते हुए आ रहा था एक दिन। एंड जस्ट अबोव इज इट, और बिल्कुल इसके जो सर के ऊपर, ही सॉ अ वाइन विद अ लवली ग्रेप्स, इसने एक गुच्छा देखा बहुत ही प्यारे अंगूरों का, बहुत ही अच्छे अंगूरों का इसने एक गुच्छा देखा अपने सर के बिल्कुल ऊपर। रिच राइप एंड पर्पल रेड, रिच मतलब बहुत तादाद में थे, राइप पके हुए थे, एंड पर्पल रेड और बैंगनी कलर के और कुछ लाल कलर के थे। ईगर बहुत बेताब था, बहुत शौकीन था। ही ट्राइड टू स्नेच द फ्रूट, इसने कोशिश की कि वो फ्रूट उसको छीन ले, ये इसको पकड़ ले, इसने बहुत कोशिश की क्योंकि ये बहुत बेताब था। बट ओ पर अरे, इट वॉज टू हाई, पर ये तो बहुत ही ऊंचे थे, बहुत ही ऊपर थे। यहाँ पे देखें ये इसको देख रहा है और ये बैंगन बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, तो ये तो कह रहा है कि ओ इट वॉज टू हाई, पर ये तो बहुत ही ऊपर थे। पुअर रेनॉट हैड टू गिव इट अप, बेचारे लोमड़ को या लोमड़ी को आखिरकार हार माननी पड़ी। हैड टू गिव इट अप मतलब कि इसको हार माननी पड़ी। एंड हैविंग अ डीप सा, और फिर इसने गहरी सी सांस ली, जैसे हम सांस लेते हैं जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो हम थक जाते हैं, फिर हम गहरी सी सांस लेते हैं, तो उसने एक सांस ली। फिर जो है वो ही क्रिल्ड हिज नोज एंड सेड, इसने अपना मुंह बनाया, नाक चढ़ाया अपना, जब हम गुस्से में नाक चढ़ा लेते हैं तो ये देखो इसका नाक यहाँ पे चढ़ा भी हुआ है, बिल्कुल सुमित की तरह लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे ही क्रिल्ड हिज नोज, इसने अपना जो वो नाक बनाया, मुंह बनाया। एंड सेड, और बोला, डियर मी प्यारे में, अपने आप से मुखातब हो रहा है कि प्यारे में, आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर, मैं तो एक घंटा भी इस पर ज़ाया ना करूँ, मैं तो एक जो है वो घंटा भी इसको ना दूँ, उसका मेरा वक्त ज़ाया ना करूँ एक घंटा। अपॉन सच ए मीन एंड कॉमन फ्रूट, बिल्कुल ऐसे मतलब ही जो बिल्कुल माइजरेबल पुअर, एक आम सा फ्रूट और बिल्कुल जो है वो माइजरेबल फ्रूट पे मैं तो एक घंटा भी ज़ाया ना करूँ। आई एम श्योर, और मुझे इस बात की जो है वो बिल्कुल इस बात का मुझे पक्का यकीन है। आई एम श्योर, मुझे पता है, दोज ग्रेप्स आर श्योर, वो जो ये वाले जो वो जो अंगूर है ना वो बिल्कुल खट्टे हैं। दोज ग्रेप्स आर श्योर, ये अंगूर खट्टे हैं। ये ट्रिस मतलब कि दिस दस वी ऑफन विच थ्रो लाइफ, अब यहाँ पे एनोमस कहता है ये कहानी इधर तक इसकी हो गई, अभी हमें समझाने के लिए ये स्टेंजा हमारे लिए कह रहा है। ट्रिस दस वी ऑफन विच थ्रो लाइफ, हम भी अपनी ज़िंदगी से बहुत सी उम्मीदें लगाते हैं, बहुत सी उम्मीदें लगाते हैं कि हम ये करें हम वो करें, फिर वेन सीकिंग वेल्थ एंड पावर, जब हम इसमें ताकत लगाते हैं, दौलत लगाते हैं, अपना जज्बा लगाते हैं। एंड वेन वी फेल, और हम उसमें जब नाकाम हो जाते हैं, से लाइक द फॉक्स, हम भी उस फॉक्स की तरह ही कहते हैं, वी श्योर, हमें यकीन है, द ग्रेप्स आर श्योर, कि ग्रेप्स जो है वो खट्टे हैं। ये कहानी हमारे लिए कि भाई अगर हमें कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर हम नहीं बन रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें अगर मेहनत करनी चाहिए तो हम दिमाग इस्तेमाल करें। जानवरों को अल्लाह पाक ने दिमाग नहीं दिया लेकिन हमें दिया है, हम यहाँ पे अगर होते तो यहाँ पे सीढ़ी लगा देते, वी फॉलो द स्टेयर एंड क्लाइम ऑन द स्टेयर एंड वी कैन प्लग द ग्रेप्स, इज इट, आर यू एग्री विथ मी गाइस, रियली सो आर यू गेटिंग दिस लेसन प्रॉपरली, हु इज गेटिंग द लेसन प्रॉपरली, रियली आगे, सो प्लीज मेक इट मेमोराइज एट योर होम, बाय बाय।